हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डाइटिशियन गौतम जानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ FGIIT। हमें कमेंट से जानकारी मिली कि आपको ऐसे टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए कि जो वीडियो बहुत बेसिक्स हो, मतलब बेसिक्स ऑफ डाइटेटिक्स के। तो इसमें सबसे पहले तो आते हैं हम न्यूट्रिएंट पर कि व्हाट इज़ न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट आर टू टाइप्स। पहले तो हम मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड सेकेंड है माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर, जो बड़ी क्वांटिटी में हम लेते हैं दिन भर में, वो इंक्लूड होते हैं। और माइक्रो में आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, मतलब जो हम मिलीग्राम माइक्रोग्राम छोटी क्वांटिटी में लेते हैं वो इंक्लूड होते हैं। जिसमें से पहला न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इज़ द मोस्ट अब्यूडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जो आपको एनर्जी प्रदान करता है सारे न्यूट्रिएंट में से, एक लौता सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट जो है उसके ऐसा तो काफ़ी प्रकार होते हैं, लेकिन मेजर प्रकार देखें तो दो होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। थोड़ा सा आप टेक्निकल जाए तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है वो डिवाइड होते हैं मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड्स में। मोनो मतलब एक ग्लूकोज, डाई मतलब दो ग्लूकोज के एलिमेंट होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। और अगर कॉम्प्लेक्स को डिवाइड करें दो पार्ट में तो वो दो में डिवाइड होते हैं, ट्राईसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। ट्राई मतलब तीन एलिमेंट ग्लूकोज के, और मल्टीपल एलिमेंट्स चार से छः मतलब पॉलीसेक्राइड्स। अब ये जो सेक्राइड्स है, सेक्राइड्स मतलब शुगर, और शुगर के एलिमेंट्स कितने होते हैं उस पर डिपेंड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। अगेन हम रिपीट करते हैं, मोनो मतलब एक एलिमेंट, डाई मतलब दो एलिमेंट, ट्राई मतलब तीन एलिमेंट, और पोली मतलब चार से छः एलिमेंट। तो एलिमेंट ऑफ शुगर डिवाइड्स इनटू मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड, ट्राईसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स को समझने के लिए एक छोटा टॉपिक जानना बहुत ज़रूरी है, जिसका नाम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है कि जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो बॉडी में जाकर वो आपके ब्लड शुगर लेवल को कितना घटाता है या बढ़ाता है, उसका एक इंडेक्स। अगर कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में होता है, जो मैक्सिमम लिमिट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, तो मतलब वो हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। अगर आपका इंडेक्स जो है वो 50 से 70 रहता है तो मतलब मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं। और अगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से 50 तक का रहता है तो मतलब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं। तो इसी के हिसाब से हम कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स जो होते हैं, मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीसेक्राइड, उसको भी डिवाइड करेंगे। मोनोसेक्राइड एंड डाईसेक्राइड में कैसे सोर्सेस आते हैं, तो इसके अंदर सोर्सेस होते हैं जहाँ पे टेबल शुगर है, फ्रूट है, मिल्क एंड प्रोडक्ट है। तो ये सारे टाइप्स है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के, जहाँ पे ये लेने के बाद आपकी बॉडी का ब्लड शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में चला जाता है। तो ये कब लेने चाहिए, तो ऐसे टाइम पे लेने चाहिए कि जब आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं या वर्कआउट से वापस आ रहे हैं। ये दो ही टाइम बहुत बेटर होते हैं इस प्रकार के मोनो और डाईसेक्राइड लेने के लिए। अब अगर बात करें ट्राईसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड की, तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स, जैसे कि किनवा है, राइस है, वीट है, मिलेट है, रागी है, वेजिटेबल्स है, सलाद से, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ये 40 टू 70 के बीच में रहता है, और ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स आइडियल होता है आपको स्लो एनर्जी और स्लो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए। इसी वजह से ये सारे सोर्सेज जो ट्राईसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड के हैं, वो आपको लेने चाहिए मॉर्निंग में एंड लंच में। ये दो टाइम बहुत बेटर होते हैं ऐसे फूड सोर्सेज लेने के लिए। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अब इसके अगर आपको फंक्शन जानने हैं और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर से लिखें। ये वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें।